या हेलो, आई एम नीरू अग्रवाल वर्मा. वी लिव इन प्रेस्टीज शांति निकेतन इन बेंगलोर. एक साल पहले जब मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि एक ड्रीम हाउस बनाते हैं, तो मेनली डिज़ाइन मेरे को ही करना था और बहुत दिनों से मेरी प्लानिंग चल रही थी कि कुछ अच्छा मैं डिज़ाइन करूं. लेकिन मेरे को चाहिए था कि कोई ऐसा बंदा जो मेरे डिज़ाइंस अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर सके. तो हमने उसमें बहुत रिसर्च की और हमें ये पालीवाल इंटीरियर्स के बारे में पता चला. हमारे फ्रेंड्स ने हमें रिफ़र किया, तो उनके प्रोजेक्ट्स हम देखने गए, तो उनका जो डिज़ाइनिंग वगैरह था, जो एग्जीक्यूशन था, हमें पसंद आया. और मुझे लगा कहीं पर कि जो मेरे डिज़ाइंस हैं उनके साथ जो आर्किटेक्ट हैं उनके ओम, वो जस्टिफाई कर सकेंगे. तो जब मैंने अपना ये पूरा घर डिज़ाइन किया, तो तभी मुझे थोड़ा सा लग रहा था, क्योंकि मेरे डिज़ाइंस बहुत ही इंट्रिकेट थे और उसमें बहुत हैंडवर्क था, मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसे निकल के आएंगे. लेकिन जब इन्होंने एग्जीक्यूट किया इतनी मेहनत के साथ में, जो इनके कारपेंटर्स थे और जो मैंने इनको डिस्क्राइब किया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और उसके बाद जो फाइनल आउटकम आया, दैट वाज़ अमेजिंग, दैट वाज़ वंडरफुल. और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो भी डिज़ाइंस मैं उनको समझाती थी, वो उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करके एग्जीक्यूट करते थे. और अगर मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है, यार, मैं उनको बोलती थी कि प्लीज़ यहाँ पे ये चेंज कर दीजिए, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा वो फ्लेक्सिबल थे. दूसरा जो उनकी एक बात जो मुझे पसंद आई बहुत ज़्यादा, कि बहुत टाइमली उन्होंने मेरा जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट कर लिया. मेरी जो सोसाइटी में मैं देखती हूँ, काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो मुझसे बहुत पहले स्टार्ट हुए थे और अभी तक चल रहे हैं, लेकिन मेरा जो एग्जीक्यूशन था प्रोजेक्ट का, जो कंप्लीट था, उन्होंने बहुत टाइम में मेरे को करके दे दिया. इवन जो मेरे नेबर्स थे, वो भी बहुत ही, मतलब, कह रहे थे कि जब उन्होंने मेरा घर देखा कि आपने इतना काम किया है इसमें और इतने कम टाइम में इसका एग्जीक्यूशन और कंप्लीट करके, जो पालीवाल इंटीरियर्स हैं उन लोगों ने मुझे ये काम दिया. इसके अलावा जो उनकी एक और बहुत अच्छी बात लगी, कि मुझे वो 3 साल का आपको सर्विस देते हैं, कि जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं या कुछ आपके हिंजेस ढीले हो जाते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम लगती है, तो उसके बाद अगर आप उन्हें कॉल करते हैं तो वो इमिडिएटली जो है अपना वर्कर्स जो हैं आपको भेज देते हैं. जो कि आफ्टर कंप्लीशन होने के, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद, जनरली बहुत से जो मैंने देखा है कि इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो मतलब आपका फ़ोन भी पिकअप नहीं करते. तो ये जो उनकी एक बहुत बड़ी अच्छी बात लगी मेरे को पालीवाल इंटीरियर्स की, कि आप जब भी उन्हें कॉल करते हो, एकदम रिवर्ट बैक करके और अपना जो बंदे हैं या कारीगर्स हैं, हमेशा अचानक एकदम से उनको जो है वो भेज देते हैं. तो मुझे जो है इनका काम बहुत अच्छा लगा. मेरे जो डिज़ाइंस थे, मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छे उन्होंने एग्जीक्यूट किए, और जो उसका आउटकम था, मतलब, मुझे बहुत अमेजिंग लगा. तो मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ कि पालीवाल इंटीरियर्स को, जो भी कोई अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहता है, वो इनको एंगेज कर सकते हैं. और प्राइस वाइज भी मेरे को बहुत रीज़नेबल लगे हैं ये. जैसे मैंने रिसर्च की काफ़ी और जो कंपेयर किया मैंने, जो मटेरियल ये लोग यूज़ कर रहे हैं और जो प्राइस हमसे ले रहे हैं, वो काफ़ी, मतलब, वर्थ पेइंग है. तो ये चीज़ मुझे उन सब की बहुत अच्छी लगी. जस्ट वॉन्ट टू ऐड, सी, ऑब्वियसली द डिज़ाइन एंड द क्रिएटिविटी वॉज योर्स, बट द पैशन विद विच यू नो पालीवाल इंटीरियर्स हैज वर्क, द कमिटमेंट, द हम्बलनेस इज अमेजिंग. दे आर ऑलवेज रेडी टू सर्व, दे आर सॉफ्ट इन एवरीथिंग, दे पेशेंटली लिसन टू यू. वो हर चीज़ का सोल्यूशन अप्रोच रखते हैं. इवन इफ़ यू रिकमेंड फॉर यू नो लॉट ऑफ चेंजेस, दे अकोमोडेट दैट, एंड एज यू हैव मैंशनड, दे गिव वैल्यू फॉर मनी. वी वुड डेफिनेटली रिकमेंड देम फॉर ऑल द पीपल हु आर लुकिंग टू क्रिएट समथिंग वेरी यूनिक एंड क्रिएटिव. सो I am very happy as a customer. Thank you.